ये शुरू करते हैं अपनी क्लास। टेंथ की मैथ्स है, दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसे हम पॉलीनोमियल भी कहते हैं। एक्सरसाइज जो है 2.2 है, और हमारी ये जो क्वेश्चन है वो पहले का चौथा क्वेश्चन है। तो पहले का चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो पहले का चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है, 4u² प्लस का 8u। आगे कुछ नहीं है, आप सोच रहे हो आगे कुछ नहीं है तो गुणा किससे करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जीरो मान लेंगे। ठीक है, जीरो मान लिया तो ये हो गया, हम आगे मानते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया है हमारा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास u है तो हम pu मानेंगे। क्या मानेंगे, माना pu बराबर 4u² प्लस 8u प्लस जीरो। ठीक है, प्लस जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जीरो हम चाहे तो ना भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम किसको सॉल्व करना है, तो हम इधर भी फोर, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में से इधर भी संख्या है, इधर भी संख्या है, इधर भी यू है, इधर भी यू है, तो मतलब संख्या में चार कॉमन हो जाएगा, क्योंकि चार दुनिया आठ तो होता ही है। जो सबसे कम वाला यू है वो कॉमन लेंगे, एक यू हम कॉमन ले लेंगे। तो चार एक कम चार, एक यू बच गया, दो यू थे इसके पास, एक यू बच गया, और चाहे तो एक लिखा रहने दो चाहे एक हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम हटा ही देते हैं क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है अक्सर। ठीक है, लिख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हटा देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में एक यू। और चार दूनी आठ, और यू तो हमारा चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है 4u आ गया है, और यू प्लस 2 आ गया है। ठीक है, यही हमारा pu आ गया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया है, pu आ गया है। अब हम लिखेंगे pu बराबर 0, ये 4u है, ये हमारा 4 है। ठीक है, pu बराबर 0 के लिए। अब 0 के लिए हम क्या करेंगे, तो एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, तो 4u, ठीक है, ये हमारा 4u बराबर 0। ठीक है, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 बराबर 0 हो जाएगा। और इसमें u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे शून्य क्या निकले हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जगह है, हाँ जगह है, तो हम लिख देंगे अतः शून्यक 0, -2 हैं, तो हमारे ये शून्यक निकल आए हैं। ठीक है, यही हमारे अल्फ़ा है और यही हमारा बीटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच, की जांच। सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो सत्यता की जांच में हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी गुणनफल नहीं, पहले योग ही निकालते हैं, योग। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, x तो है नहीं, u लिखेंगे, x तो है नहीं ना इसमें, तो u है, तो u लिखेंगे u। ठीक है, तो u का गुणांक क्या है, 8, और u² का गुणांक क्या है, 4। तो 4 × 4, 4 × 8, ये हमारा क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, 0 में माइनस 2 जोड़ा तो माइनस 2 आ गया, और इधर भी हमारा माइनस 2 ही आया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं योगफल तो हमारा प्रूव्ड हो गया है, मतलब सिद्ध हो गया है, ये हमने सत्यता की जांच कर ली है।
ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। किसका है? शून्यकों का गुणनफल। अब हम गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल में क्या होगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा बराबर अचर पद, ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, जीरो है, बीटा हमारा माइनस का दो है, और अचर पद में क्या है, अचर पद में हमारा कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो है, जीरो मान लेंगे, ठीक है, जीरो ही मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखो या नहीं लिखो, कि जब है ही नहीं तो मतलब जीरो है, और यू एक्स तो लिखा नहीं जाएगा, तो हमारा यू स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, फोर। तो ये भी हमारे गुणा होकर जीरो आ गया, ये भाग में भी हमारा जीरो आ गया, मतलब ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है वो लगा लिए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, चलिए इसको बिगाड़ते हैं। छोटा क्वेश्चन था तो दो क्वेश्चन करे ले रहे हैं, ठीक है। पांचवा हमारा क्वेश्चन जो है टी स्क्वायर माइनस 15 ये है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना क्या, माना पी टी, अब टी है तो पी टी मानेंगे, पी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, माइनस 15। अब हम पी टी तो आ गया, अब हम इसको, हम जानते हैं कि हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस, मतलब हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है, वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। आप कहोगे 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो नहीं होता तो कर लो स्क्वायर, क्या है टी स्क्वायर और माइनस रूट 15 का तो कर ही सकते हैं ना, तो कर सकते हैं ना, तो रूट 15 का स्क्वायर कर लो, रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है, और हमारा ये ओपन होके क्या आ जाएगा, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, तो हमारे इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब पी टी बराबर जीरो के लिए, और हम मान निकालेंगे, पी टी बराबर जीरो के लिए क्या करेंगे, एक बार ये बराबर जीरो, एक बार ये बराबर जीरो, तो टी माइनस रूट टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो और टी माइनस रूट 15 बराबर जीरो, तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 15 हो जाएगा माइनस में रूट 15, इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा, और ये हमारा क्या निकलेगा, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में रूट 15 हो जाएगा, दो वैल्यू निकल आएंगी, यही हमारी अल्फ़ा है, यही हमारी बीटा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः शून्यक माइनस रूट 15 तथा प्लस के रूट 15 हैं, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब आगे हमें क्या करना है, इसको बिगाड़ देते हैं, अब हमें करनी है सत्यता की जांच, ठीक है, आगे करनी है हमको सत्यता की जांच, ठीक है, ठीक है। तो सत्यता की जांच करनी है तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस टी है ना, तो माइनस टी का गुणांक, ठीक है, वैसे एक्स का होता है पर इसमें यहाँ पे अचर, इन्होंने चर पद में टी दिया है तो टी का गुणांक लिखेंगे, और टी बटे में टी स्क्वायर का
गुणांक, ठीक है, तो ये हम वो कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा अल्फ़ा कितना है, माइनस का रूट 15, बीटा कितना है, प्लस का रूट 15, ठीक है, बराबर में माइनस टी का गुणांक क्या है, टी हमारा है ही नहीं तो मतलब जीरो, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, ठीक है, ये हमारा कट गया, प्लस माइनस थे दोनों सेम टू सेम थे तो कट गए तो जीरो आ गया, और इधर भी हमारा जीरो बटे एक मतलब जीरो, तो मतलब ये हमारा क्या प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS जो है वो प्रूव्ड हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी करना है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। अब ये भी देख लेते हैं, अब इसमें क्या करना है, हमारा होता है अल्फ़ा कॉमा सॉरी अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा हमारा कितना है, माइनस का रूट 15, बीटा कितना है, प्लस का रूट 15, ठीक है, और अचर पद कितना है, माइनस का 15, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक, और माइनस रूट 15 और रूट मतलब रूट 15 और रूट 15 की गुणा कितनी आई, 15, और माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दिया, इधर भी ये हमारा माइनस का 15 ही आ गया, तो मतलब हमारे ये बराबर आ गए, बराबर आ गए तो मतलब हमारा ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके हैं, एक और क्वेश्चन हमारा बचा है, वो आज नहीं कराएंगे, वो कल कराएंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कल कराएंगे। और तो HW आपका क्या है, HW जो है वो आपका क्या है कि अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कहाँ बताना है, आपका जो कमेंट बॉक्स होता है, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उसके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा, ठीक है। ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको, और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पर जोजस स्टडी सर्च करते हैं, जोजस स्टडी आ जाएगा, जब हम इसको सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दिखेगा जिसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ ऑप्शन दिखेंगे, पहला होम होगा, दूसरा वीडियोस होगा, तीसरा प्लेलिस्ट होगा, चौथा कम्युनिटी, फिर चैनल, फिर अबाउट। तो हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तब हम क्या इस पे टैप करेंगे, टैप करने के बाद हमारी जो भी प्लेलिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। अब हमारा ये जो एरो बना है, ठीक है, इस एरो पे हमें टैप करना है। टैप करने के बाद सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, फिर इसके बाद लिखा होगा व्यू 30 मोर, फिर व्यू 30 मोर के पे टैप करना होगा, फिर हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी होगी वो सारी जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट जो हैं ओपन होके आ जाएंगी, ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर हम आपको कहाँ जाना है, जो भी आपको देखना है वीडियो, जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपको जाना है चैनल पर, चैनल पर टैप करेंगे आप तो हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो चैनल पे आपको तीन चैनल दिखेंगे, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट, इन चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर लेना है। फिर आप जब पहले जोजस किड्स मस्ती पे जाएंगे, इसमें आपको बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे क्या उन्हें सब सिखाया जाता है, वो सारी बातें आप इसमें देख सकते हैं। बच्चों की वीडियोस हैं, बच्चों के खेल खिलौने कैसे क्या खिलाना चाहिए, ये वीडियोस इसमें बनाई गई हैं,
हमारा जो दूसरा चैनल है जॉर्जेस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जो ज्वेलरी हैं वो अपने हाथों से बनाई गई हैं, जो कि मैंने बनाई हैं। सुंदर सुंदर ज्वेलरी जो हैं वो दिखाई गई हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं वो बनाई गई हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप ये वीडियोज़ जो हैं आप देख सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। ये सब सारी जो नथ वगैरह, कुंडल वगैरह जो हैं, इयररिंग्स रिंग्स जो सारे अपने हाथों से बनाए गए हैं, ठीक है। फिर हम अपने चलते हैं तीसरे चैनल पे, तो तीसरा चैनल है जॉर्जेस क्राफ्ट, उस पर टाइप करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उस पर हमें जो घर की बेकार चीज़ें जैसे कि टिश्यू पेपर हुए, घर शादी के कार्ड वगैरह हुए, उनसे आप घर के डेकोरेशन वाली यूजफुल चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं। इसमें ये सब आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आप हमारी इन चैनल्स को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं और तब तक के लिए बाय, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल को